आपका एडो आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बस हम शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। और पहला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर उप जिला उद्योग केंद्र स्थापित नहीं है। दोस्तों याद रखना है, आपको बताना है उप जिला उद्योग केंद्र। मैं आपको एक बात यहाँ पर नोटिस कर दूँ कि हमारे राजस्थान में 36 तो जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 उप जिला उद्योग केंद्र हैं। आपको यह बताना है कि इनमें से वो कौन सा स्थान नहीं है, इनमें से वो कौन सा स्थान नहीं है जहां पे जिला उप उद्योग केंद्र नहीं है। ठीक है, टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे दीजिए, बता दीजिए फटाफट से कि हमारे राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला उद्योग केंद्र स्थापित नहीं है। टाइम आपका सीमित है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या इसका आंसर होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। ओके फ्रेंड्स, तो अब यदि हम बात करते हैं कि किसी स्थान पर उप जिला उद्योग केंद्र नहीं है, तो सुजानगढ़, मकराना, लाडनू या फालना। तो दोस्तों सुजानगढ़, मकराना और फालना में सभी जगह है, बट लाडनू में यहाँ पे जिला उद्योग केंद्र हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया स्टोन मार्ट, दोस्तों ये क्या होता है कि एक पत्थर से संबंधित एक मेला होता है ना, जिसमें देश विदेशी जो होते हैं, जिनमें नायाब पत्थर, इमारती पत्थर, सभी प्रकार के पत्थर की एक विशाल एग्जीबिशन होती है, जिसका आयोजन सीतापुरा जयपुर में होता है। आपको बताना है कि ये इंडिया स्टोन मार्ट 2019 कब हुआ था। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 2020 का रद्द हो चुका था कोविड की वजह से, और 2021 का अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी 2019 का लेटेस्ट था। आपको बताना कि ये कब हुआ था, इंडिया स्टोन मार्ट 2019 में सीतापुरा जयपुर में आयोजित होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। 22 फरवरी से 25 फरवरी 2019 के बीच में, 31 दिसंबर से 3 जनवरी, 3 जनवरी से 6 जनवरी, 31 जनवरी से 3 फरवरी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यदि हम आंसर की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है इंडिया स्टोन मार्ट 2019 का, तो ये राइट आंसर है 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिको तथा जेट्रो, रिको तो आप जानते ही हैं, रिको कौन है, रिको है राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और जेट्रो है जापानी एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन रिको और जेट्रो के सहयोग से राजस्थान में दूसरा जापानी निवेश जोन की स्थापना कहाँ की जा रही है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। रिको और जेट्रो के सहयोग से राजस्थान में दूसरा जापानी निवेश जोन स्थापित किया जा रहा है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। टाइम आपका सीमित है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये कहां स्थापित किया जा रहा है, टाइम आपका सीमित है। तो दोस्तों अब यदि हम बात करते हैं रिको और जेट्रो के सहयोग की, तो इसके रिको और जेट्रो के सहयोग से जो ये स्थापित किया गया है, वो स्थापित किया जा रहा है हमारे घिलोट में, ये दूसरा, ठीक है, स्थापित हो चुका है, अभी किया जा रहा है नहीं, हो चुका है, और पहला जो है वो था नीमराणा में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेक इन राजस्थान, ठीक है, मेक इन राजस्थान प्रारंभ किया गया था। आपको पता है कि जैसे मेक इन इंडिया आया था, उसी की तर्ज पे ये वसुंधरा राजे के द्वारा मेक इन राजस्थान शुरू किया गया था। आपको बताना है कि ये कब शुरू किया गया था, 15 जनवरी 2015, 18 जनवरी 2015, 2 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि ये कब शुरू किया गया था। टाइम आपका सीमित है दोस्तों, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। मेरे वैसे कुछ भी नहीं है, बट ये हल्का सा जो गर्मी है, गर्मी की वजह से कई बार, लू की वजह से कई बार हो जाता है ऐसा। मुझे फीवर कुछ भी नहीं आया बस, ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए, कोविड से बच के रहिए। तो यहाँ पे यदि इसका आंसर की बात कीजिए, मेक इन राजस्थान प्रारंभ किया गया था, तो ये 15 जनवरी 2015 में ये मेक इन राजस्थान दिया गया था वसुंधरा राजे के द्वारा।
फिर बताना देश का पहला जैम बुर्स स्थापित कहाँ किया गया था, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। दोस्तों ये जैम बुर्स जो होता है ये कीमती पत्थर से संबंधित होता है, यहाँ पे कीमती पत्थर के आयात निर्यात, उनसे संबंधित उद्योगों आदि से संबंधित यहाँ पे कार्य होते हैं। आपको बताना कि ये कहाँ पे है, सूरत में है, मुंबई में है, कांडला है या जयपुर है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे दीजिए, सूरत, मुंबई, कांडला या जयपुर। टाइम आपका सीमित है, ये तो हो ही गया, समाप्त हो गया मेरे को तो बोलते ही। तो ये दोस्तों कहाँ है, जैम बुर्स स्थापित है हमारे जयपुर में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की कौन सी औद्योगिक नीति में हस्तशिल्प उद्योगों के विकास पर बढ़ावा दिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। अब मैं आपको बताऊं ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना मेरे बनाए हुए हैं, ठीक है, मेरे बनाए हुए हैं, सभी के सभी यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सी औद्योगिक नीति है जिसमें राजस्थान में उद्योगों के विकास पर बढ़ावा दिया गया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको दे देना है। टाइम समाप्त हो चुका है, आपको बताना है कि औद्योगिक नीति हस्तशिल्प उद्योगों के विकास पर बढ़ावा किसमें दिया गया था। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं राजस्थान में औद्योगिक नीतियों की, तो अभी तक हमारे राजस्थान में 4 औद्योगिक नीतियां आ चुकी हैं, 1978 में आई थी, 91 में, फिर 94 में और 98 में। यदि हम बात करते हैं पहली औद्योगिक नीति की, तो जो पहली औद्योगिक नीति थी उसमें हस्तशिल्प और विशेषकर हथकरघा जो उद्योग थे, खादी ग्राम जो उद्योग था उसको बढ़ावा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथम औद्योगिक नीति। यदि दोस्तों हम और बात करें कि राजस्थान की विशेष औद्योगिक नीति द्वितीय पर, तो द्वितीय जो औद्योगिक नीति थी इस औद्योगिक नीति में कृषि व खनिज आधारित उद्योगों पर बल दिया गया था। तृतीय औद्योगिक नीति की हम बात करें तो तृतीय औद्योगिक नीति में निजी और सार्वजनिक भागीदारी पर बल दिया गया था। और चतुर्थ औद्योगिक नीति की हम बात करें तो इसमें उद्योगों में विनिवेश को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां किस जिले में है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां वो राजस्थान के किस जिले में है? बारा में है, जैसलमेर में है, डूंगरपुर में है या जालौर में है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि राजस्थान में न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां किस जिले में है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे दीजिए। बारां, जैसलमेर, डूंगरपुर, जालौर। टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब यदि हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की, तो राजस्थान में न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हमारे स्थापित हैं जैसलमेर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाओ, नाइस क्वेश्चन। देश का प्रथम EPIP स्थापित किया गया। अब मैं दोस्तों आपको EPIP का फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, ठीक है, हाँ क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, आंसर देने के बाद जरूर बताऊंगा। आपको बताना है कि देश का पहला EPIP कहाँ है, और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसका फुल फॉर्म क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, और बस इस वजह से मैंने इसको लिया है। तो आपको ये बताना कि देश का प्रथम EPIP स्थापित कहाँ किया गया है, सीतापुरा, मानसरोवर, भिवाड़ी या बालोतरा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। हमारे देश का पहला EPIP कहाँ है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं देश का पहला EPIP, तो दोस्तों हमारे देश का पहला जो EPIP है ये स्थापित हुआ था सीतापुरा, जयपुर में, और स्थापना वर्ष है इसका 1997। अब मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। EPIP का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क, यानी सीधा सा इसका हिंदी अर्थ है निर्यात संवर्धन पार्क, सीतापुरा, जयपुर, 1997। ये देश का पहला EPIP है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुमार रप्पा हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय शोध संस्थान कहां स्थापित है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा, कुमार रप्पा हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय शोध संस्थान। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका क्या आंसर होने वाला है, कुमार रप्पा हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय शोध संस्थान कहां स्थापित है? आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। मानसरोवर है, सीतापुरा है, सांगानेर है या घोसुंडा है? टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यदि हम बात करते हैं कुमार रप्पा हस्तशिल्प कागज, तो दोस्तों यहाँ पे हस्तशिल्प कागज का मतलब होता है हाथ से निर्मित कागज,
ठीक है। अब यहाँ पे हस्तशिल्प ही लिखा है इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है, यहाँ पे हस्त निर्मित कागज भी हो सकता है बट हस्तशिल्प का अर्थ वही होता है कि हाथ से निर्मित। तो यहाँ पे हस्तशिल्प जो कागज राष्ट्रीय शोध संस्थान है वो है हमारे सांगानेर जयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में सिरेमिक पार्क वह परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आपका टाइम मैंने शुरू कर दिया है। आंसर दीजिए कि सिरेमिक पार्क वह परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या नागौर में? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे दीजिए। सिरेमिक पार्क कहाँ पे स्थापित है, सिरेमिक पार्क एवं परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित है, सिरेमिक पार्क एवं परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बीकानेर, बाड़मेर। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर ही है जहाँ पे सिरेमिक उद्योग हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा डेवलप है। अब सिरेमिक उद्योग अभी यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये सिरेमिक उद्योग होते क्या हैं। सिरेमिक उद्योग होते हैं दोस्तों ये जो टाइल्स वगैरह ना, टाइल्स है, सेनेटरी है यानी टॉयलेट सीट वगैरह, ये सब क्या होते हैं, सेनेटरी इंडस्ट्रीज, ये सब सिरेमिक में आते हैं ना, सिरेमिक ग्लास वगैरह बनाना। तो ये बीकानेर में सबसे ज़्यादा है और बीकानेर के ही खारा एक स्थान है, खारा बीकानेर में सिरेमिक पार्क परीक्षणशाला ये सब स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटी पार्क स्थापित है, बीटी पार्क ठीक है, बीटी मींस बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ना, बीटी पार्क कहाँ स्थापित है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सीतापुरा, भिवाड़ी, उदयपुर या नीमराणा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि हमारा बीटी पार्क कहाँ स्थापित है। सीतापुरा जयपुर में स्थापित है या भिवाड़ी अलवर में स्थापित है या उदयपुर या नीमराणा, कहाँ, इनमें से कहाँ पर ये बीटी पार्क स्थापित है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे दीजिए, टाइम आपका सीमित है दोस्तों, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सीतापुरा जयपुर, भिवाड़ी अलवर, उदयपुर या नीमराणा। तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है और बीटी पार्क स्थापित है सीतापुरा जयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थ मूवर्स स्टेशन स्थापित है, नाइस, ठीक है, बताइए, टाइम मैंने शुरू कर दिया। अर्थ मूवर्स स्टेशन कहाँ स्थापित है? सीतापुरा जयपुर, मानसरोवर जयपुर, कुकस जयपुर, आमेर जयपुर, कहाँ स्थापित है अर्थ मूवर्स स्टेशन? अर्थ मूवर्स स्टेशन कहाँ स्थापित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो दोस्तों अब यदि हम बात करते हैं अर्थ मूवर्स स्टेशन की, तो अर्थ मूवर्स स्टेशन जो है ना हमारा ये सीतापुरा जयपुर में है। अब ये होता क्या है अर्थ मूवर्स, ठीक है, अर्थ यानी जमीन, धरती है ना, हमारा धरती माता, लेकिन यहाँ पे अर्थ पूरी अर्थ से संबंधित नहीं है। इसका अर्थ हमारी पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है जिसको हम सरफेस कहते हैं या स्थल मंडल कहते हैं उससे है। मूवर्स यानी इस सतल स्थल को इधर उधर करना। अब स्थल सतह को इधर उधर करने के लिए कौन आते हैं, मशीनें, कौन सी मशीनें, जैसे बुलडोजर वगैरह। तो ये जो स्टेशन है इसका या इसकी रिपेयरिंग वगैरह, निर्माण वगैरह ये सब कहाँ होता है, सीतापुरा जयपुर में, यहाँ पे ये स्टेशन स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों के विकास के लिए समर्पित संस्थान कौन सा है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। आप ही के लिए ये सारी मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है, और उसके बावजूद कि मेरे व्यूज़ अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहे, पहले मतलब पूरे चैनल का एक दिन का व्यू 1000 से अबव था, अभी आप यकीन नहीं करेंगे, अभी पूरे दिन का व्यू, 24 घंटे का व्यू मात्र 240 व्यूज हैं। अब आप सोच लो कि कितनी नकारात्मकता आ गई है बच्चों में, स्टूडेंट्स में कितनी नकारात्मकता आ गई है, मैं एग्जाम नहीं होगा, ये होगा, वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों एग्जाम तो कन्फर्म है, होगा एक ना एक दिन। तो आप अपना क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी जो स्टडी है उसको जारी रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव क्वेश्चन लेकर आइए। अपने ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव मतलब क्वेश्चन क्विज लेकर आते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह की लाइव सीरीज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ यदि हम आंसर की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों के विकास को जो समर्पित संस्थान के लिए हम बात करते हैं तो दोस्तों ये होती है रूडा। रूडा का फुल फॉर्म होता है रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये जो रूडा है, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, इसका हिंदी अर्थ अगर आपको पता होगा तो पता लग जाएगा। रूरल नॉन फार्म का मतलब होता है गैर कृषि, ठीक है, तो गैर कृषि कार्य विकास अभिकरण, ये इसका हिंदी अर्थ है, तो ये है रूडा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हथकरघा उद्योगों से जुड़े बुनकरों के चहुमुखी विकास में उनकी समस्याओं के निवारण हेतु गठित शीर्ष सहकारी संस्था कौन सी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से बताओ कौन सी संस्थान है। राजस्थान में हथकरघा उद्योगों से जुड़े जो बुनकर हैं उनके चहुमुखी विकास से संबंधित, उनके समस्याओं के निवारण से संबंधित जो सहकारी संस्था है शीर्ष, वो कौन सी है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है, टाइम मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दे दूंगा। राजफेड है या बीडा है या RRBSS है या एपेक्स बैंक है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। हथकरघा उद्योगों से जुड़े बुनकरों के चहुमुखी विकास के लिए आपको आंसर देना, राजफेड है, बीडा है, RRBSS है, एपेक्स बैंक है क्या? तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर है वो है RRBSS। RRBSS का मतलब होता है राजस्थान राज्य बुनकर सेवा संघ लिमिटेड, है ना, ध्यान रखना है। RRBSS ये जयपुर में संचालित है। ओके, राजफेड आप जानते हैं, राजफेड है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ यानी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। बीडा है भिवाड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और ये अपेक्स बैंक का केंद्रीय सहकारी बैंक है सर्वोच्च। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्पिन फेड का कार्य है, स्पिन फेड का कार्य बताना है आपको दोस्तों। पहले हम ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर हम करेंगे। पहला है कपास उत्पादन को प्रोत्साहन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कपास निर्यात को प्रोत्साहन, तीसरा ऑप्शन है सूती धागा व वस्त्र निर्माण, फिर है कपास के क्रय विक्रय का प्रबंधन, ठीक है। अब इनमें से बताना है कि आपको कौन सा सही है, स्पिन फेड का क्या कार्य है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। स्पिन फेड का क्या कार्य है आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है। 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। ओके, तो दोस्तों स्पिन फेड जो है ना इन सभी के कार्यों को करती है। स्पिन फेड क्या है, स्पिन फेड एक्टिव हुई थी 1993 में। स्पिन फेड का पूरा फुल फॉर्म होता है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स फेडरेशन, और जयपुर में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1992 में हुई थी, एक्टिव 1993 में हुई थी, और ये जो संस्था है वास्तव में हमारी जो कोऑपरेटिव सेक्टर की मिलें हैं, सहकारी मिलें हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर की जो सहकारी मिलें हैं उनसे संबंधित ये संस्था है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल है, राजस्थान में जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल है वो कौन सी है, ये बताना है आपको। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, बताओ आप राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल कौन सी है। द मेवाड़ शुगर मिल, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, केशोरायपाटन शुगर मिल, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे टाइम आपका सीमित था, समाप्त हो गया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित जो चीनी मिल है वो है राजस्थान स्टेट शुगर मिल, ठीक है, राजस्थान स्टेट शुगर मिल, जो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल भी इसको बोलते हैं। 1956 से ये सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया है, जापान, विश्व बैंक, भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये निर्यात संवर्धन वही है, EBIP, मैंने वहां पे जानबूझ के नहीं बताया था कि ये फलाना फलाना के सहयोग से संबंधित है। आप फलाना फलाना जानते होगा, इसको फला फला भी कहते हैं, फलाना फलाना या फला फला, ठीक है, क्या होता है ये बताऊंगा, ठीक है, पहले आंसर दो, बताओ। जापान, विश्व बैंक, भारत सरकार या अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण। तो यहाँ यदि हम आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो हमारा निर्यात संवर्धन पार्क है ये वास्तव में स्थापित हुआ है, ये किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जापान के सहयोग से इसकी स्थापना हुई है इस निर्यात संवर्धन पार्क की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, फलाना फलाना बता रहा था मैं, फला फला या फलाना फलाना ये क्या होता है, ये वास्तव में जो भीलों का जो घर होता है जिनको कू कहते हैं, और इन कू का जो एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फला, ठीक है, फला 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 या फलाना फलाना। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के द्वारा राज्य के पहले निजी क्षेत्र के सेज की स्थापना कहाँ की गई है, ठीक है, आंसर दो फटाफट से। एक ऑप्शन तो इसका छिप गया,
मैं बता देता हूँ, एक ऑप्शन बोल देता हूँ, चारों ऑप्शन, बोरनाडा, जोधपुर, सीतापुरा, जयपुर, कालरावास, उदयपुर और अजमेर रोड, जयपुर। ये चार ऑप्शन है, बोरनाडा, जोधपुर, सीतापुरा, जयपुर, कालरावास, उदयपुर और अपना अजमेर रोड, जयपुर। बताओ फटाफट से क्या राइट आंसर होना चाहिए। चार ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, बोरनाडा, सीतापुरा, कालरावास, अजमेर रोड। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। अब इसके आंसर की यदि बात करते हैं तो दोस्तों जो कालरावास है ना, कालरावास उदयपुर, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कालरावास नहीं, जो हमारा अजमेर रोड है, जो इसमें लिखा नहीं है, अजमेर रोड, अजमेर रोड क्या है, इसका राइट आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हुआ, ठीक है ठीक है। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशनल लिमिटेड कहाँ स्थित है, जो हाल ही में बंद कर दिया गया है। ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारत सरकार की कंपनी है, मोदी के शासनकाल में इस कंपनी को बंद कर दिया गया, केंद्र सरकार की कंपनी है। ठीक है, अब बता दीजिए फटाफट से, मोदी ने सब बंदी बंदी किया है। ठीक है, बताएं, रोजगार बंद, सब कुछ बंद, क्या बोलूँ अब, है ना, कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि हम मोदी के ही लायक हैं, मेरे को ऐसा लगता है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आंसर दीजिए कि भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है, जो हाल ही में बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, IL बोलते हैं इसको शॉर्ट में, IL, और ये जो IL है ये कोटा में स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वित्त निगम के अच्छे अच्छे जो ऋणी होते हैं, जिन्होंने अपने पूर्व ऋण का 50% से अधिक चुका दिया हो, को आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की एक योजना होती है, ये क्या होता है, आइस आइस्ड स्कीम, सिल्वर कार्ड स्कीम, सेमफेक्स या तत्काल स्कीम। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। मतलब आप, ऐसा है कि आपने RFC से, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से ऋण लिया, ऋण लेने के बाद 2 वर्ष तक आपने, है ना, 2 वर्ष तक आपने समय पर ऋण की अदायगी करी, 50% ऋण चुका भी दिया है, और ऐसे में RFC के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं, ऐसे में RFC आपको एक योजना में शामिल करती है। वही योजना का नाम आपको बताना है क्या है, आइस्ड स्कीम है, सिल्वर कार्ड स्कीम है, सेमफेक्स है या तत्काल स्कीम है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ये होता है सिल्वर कार्ड स्कीम, है ना, ये सिल्वर कार्ड जारी करती है, गोल्ड कार्ड भी जारी करती है और प्लेटिनम कार्ड भी जारी करती है, और ये ऋणियों के लिए ही हैं तीनों कार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के वस्त्र निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वस्त्र निर्माण की एक निर्यात उन्मुखी इकाई स्थापित करने हेतु अपैरल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। बोरनाडा जोधपुर, नीमराणा अलवर, कुकस जयपुर, महल या महला उदयपुर। महला भी बोलते हैं, कुकस भी बोलते हैं, नीमराणा भी बोलते हैं और बोरनाडा तो है ही। तो बोरनाडा, नीमराणा, कुकस और महल, जयपुर, इनमें से किस स्थान पर यह स्थापित किया गया है अपैरल पार्क। अपैरल का अर्थ होता है वस्त्र। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि अपैरल पार्क कहाँ स्थापित है। तो दोस्तों टाइम आपका सीमित है, टाइम समाप्त तो हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं इस अपैरल पार्क की, तो अपैरल पार्क जो स्थापित किया गया है, अपैरल पार्क स्थापित हुआ है हमारे महल जयपुर में, महला जयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोगों में खादी के प्रति रुचि जागृत करने हेतु बापू कताई घर की स्थापना कहाँ की गई है। बापू कताई घर की स्थापना कहाँ हुई है खादी के प्रति रुचि जागृत करने के लिए। तो टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। लोगों में खादी के प्रति रुचि जागृत करने के लिए ये कहाँ किया गया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जयपुर, चूरू, बीकानेर, कोटा। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो बापू कताई घर जयपुर में स्थापित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित है। ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर का अर्थ होता है कि व्यापार मेला, है ना, ट्रेड फेयर का अर्थ है व्यापार मेला। अब व्यापार मेला कॉम्प्लेक्स स्थापित है और उस कॉम्प्लेक्स में कई विभिन्न तरह के जो ट्रेड फेयर है उनका आयोजन होता है। आपको बताना है कि ये कहाँ है, घटल, घटल पड़ता है भिवाड़ी में, सीतापुरा जयपुर, कुकस जयपुर, चौपंके भी पड़ता है भिवाड़ी में। आपको आंसर देना है इनमें से कहाँ पे ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। तो दोस्तों राइट आंसर है सीतापुरा जयपुर में, यहीं पर ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स हमारा स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान वित्त निगम, RFC जिसको हम बोलते हैं, ये दोस्तों हमारे राजस्थान में विशेषकर लघु उद्यमियों को ऋण देने के लिए एक बहुत ही शानदार संस्थान है। आपको बताना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952, 1954, 1955 या 1958 में। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए, 1952, 1954, 1955 या 1958 कब इसकी स्थापना हुई थी, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो ये 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, 17 जनवरी 1955 में ये स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, तरल हींग के लिए कौन प्रसिद्ध है, तरल हींग के लिए कौन प्रसिद्ध है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे। हाँ दोस्तों बताना है, तरल हींग के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या शाहपुरा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वीडियो काफ़ी समय तक पॉज रख दिया था मैंने क्योंकि शोर आ रहा था बाहर से, तो फिर ये हमारी जो वॉच है वो गायब हो गई। बट आपको बताना है फटाफट से, तरल हींग के लिए कौन प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या शाहपुरा। तरल हींग के लिए कौन जाना जाता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तरल हींग के लिए कौन जाना जाता है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या शाहपुरा। तरल हींग के लिए कौन जाना जाता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं तरल हींग के लिए, तो तरल हींग के लिए जाना जाता है प्रतापगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरे रेडिएशन को बचाने के लिए निर्मित लेप किस उद्योग से संबंधित है। वाह नाइस क्वेश्चन दोस्तों। एक्सरे, देखो क्या होता है, एक्सरे जो रूम होता है, इस एक्सरे रूम में क्या होता है, एक्स किरणों का रेडिएशन होता है। अब उस एक्सरे रूम का किरणों का जो रेडिएशन है वो रेडिएशन इतना भीषण होता है कि दीवारों के पार भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे में दीवारों तक ही रेडिएशन को रोकने के लिए, दीवारों तक ही रेडिएशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, दीवारों पर एक विशेष रसायन का लेप किया जाता है। यह आपको बताना कि यह रसायन कौन से उद्योग से संबंधित है, फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे रेडिएशन से बचाने के लिए निर्मित लेप किस उद्योग से संबंधित है, दीजिए फटाफट से आंसर। बेराइट्स, जिप्सम, मैंगनीज या सिलिसियस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए कि ये किससे संबंधित है, एक्सरे रेडिएशन से बचाने के लिए निर्मित लेप किससे संबंधित है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। एक्सरे रेडिएशन से बचाने के लिए निर्मित लेप किससे संबंधित है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। बेराइट से, जिप्सम है, मैंगनीज है या सिलिसियस अर्थ है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करते हैं तो ये खनिज होता है बेराइट्स। ठीक है, बेराइट्स एक खनिज होता है जिस पर लेप कर दिया जाता है, जिसका लेप कर दिया जाता है दीवारों पर, और उससे फिर वो रेडिएशन दीवारों से बाहर नहीं जा पाता है। ऐसे बाकी बेराइट्स का बहुत सारा यूज है दोस्तों। बेराइट्स छिद्रण मड के रूप में भी यूज आता है। छिद्रण मड का मतलब है कि जब खनिज तेल के कुएं खोदे जाते हैं तो खनिज तेल के कुओं में यदि नीचे पत्थर आ जाते हैं तो पत्थर को काटने के लिए उस कुओं में इस बेराइट को डाल दिया जाता है, जिससे वो बेराइट उस पत्थर को काट देता है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किस स्थान पर कोल्हापुर की जूम कंपनी, कोल्हापुर महाराष्ट्र है ना, ध्यान रखना, जूम कंपनी द्वारा घरेलू कचरे से कोयला बनाने का संयंत्र लगाया जाएगा। ठीक है, घरेलू जैविक कचरे से कोयला बनाने का संयंत्र लगाया जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जयपुर होगा, कोटा होगा, पाली होगा या अजमेर होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जयपुर, कोटा, पाली, अजमेर। जयपुर, कोटा, पाली, अजमेर। राज्य के में किस स्थान पर कोल्हापुर की जूम कंपनी के द्वारा घरेलू कचरे से कोयला बनाने का संयंत्र लगाया जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए जल्दी से। जयपुर में, कोटा में, पाली में या अजमेर में। तो दोस्तों राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ये इसका आंसर है अजमेर। ठीक है, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की प्रथम अर्बन हार्ट, अर्बन हार्ट है ना, अर्बन यानी शहर, अर्बन हार्ट कहाँ और कब स्थापित हुई है। जयपुर में 27 मार्च 2007 में, जोधपुर में 13 फरवरी 2004 में, अजमेर में 28 अप्रैल 2006 में और जोधपुर में 13 जनवरी 2015 में। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। जयपुर, जोधपुर,
अजमेर, जोधपुर दो बार है, तो एक्चुअल में आप जयपुर की सॉरी जोधपुर में दो डेट हैं अलग अलग, 13 फरवरी और 13 जनवरी। तो आंसर देना है आपको कि क्या राइट आंसर होगा। जयपुर 27 मार्च, जोधपुर 13 फरवरी, अजमेर 28 अप्रैल और जोधपुर 13 जनवरी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जोधपुर 13 फरवरी। जोधपुर 13 फरवरी 2004 में अर्बन हार्ट की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते, सिकंदरा सिकराय, सिकंदरा सिकराय कहाँ है? दोसा में है। और यहाँ पे किसकी स्थापना की जाएगी सिकंदरा सिकराय में? एग्रो फूड पार्क, स्टोन पार्क, अपैरल पार्क या साइबर पार्क? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सिकंदरा सिकराय में किसकी स्थापना की जाएगी? सिकंदरा सिकराय में किसकी स्थापना होगी? एग्रो फूड पार्क की, स्टोन पार्क की, अपैरल पार्क या साइबर पार्क? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। दोस्तों इसके राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है स्टोन पार्क। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्टोन यानी आयामी पत्थर पार्क भी हम इसको बोलते हैं। स्टोन पार्क को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? आयामी पत्थर पार्क। तो आयामी पत्थर पार्क यहां पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बकरी के बालों से जटकतराई, सॉरी जटकतराई नहीं, बकरी के बालों से जटपट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र कहाँ है? दूदू, जयपुर, गंगापुर, भीलवाड़ा, जसोल, बाड़मेर या खेतड़ी, झुंझुनू? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। दूदू, गंगापुर, जसोल या खेतड़ी? बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई की जाती है, बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई की जाती है कहाँ पे? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पे ये बुनाई की जाती है, दूदू, गंगापुर, जसोल या खेतड़ी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जसोल, बाड़मेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क कहाँ स्थापित होगा? नीमराणा, रानपुरा, कोटा, उद्योग विहार, बोरनाडा? इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क बता दीजिए फटाफट से कहाँ पे स्थापित होगा। ये औद्योगिक पार्क होते हैं दोस्तों जो रिको के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। आपको ये बताना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क इनमें से जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नीमराणा, रानपुरा, उद्योग विहार या बोरनाडा? तो दोस्तों राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो इनमें जो नीमराणा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क नीमराणा अलवर में, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर आधारित है? गैस आधारित नाइट्रोजन है ना, और दोस्तों ये गैस आधारित जो नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र है ये हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा है। आपको बताना है कि ये कहाँ है, रामगढ़ में है, मांगरोल में है, गडेपान में है या अंता में है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि ये कहाँ पे है। रामगढ़, मांगरोल, गडेपान, अंता? रामगढ़, मांगरोल, गडेपान, अंता? रामगढ़, मांगरोल, गडेपान, अंता? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यदि हम इसके आंसर की बात करते हैं तो गैस आधारित जो नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र है वो गडेपान कोटा में है और इसका संस्थान का नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। क्या नाम है? चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण व अंश पूंजी प्रदान करने वाला जो संस्थान है वो कौन है? पहला ऑप्शन है राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राजसिको, RFC, रिको? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि राजस्थान में उद्योगों की स्थापना के लिए वृहद और मध्यम प्रकार के जो उद्योग हैं उनको ऋण प्रदान करने वाली जो संस्थान है वो कौन है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको दे देना है। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। दोस्तों यदि आंसर की हम बात करते हैं तो औद्योगिक विकास के लिए जो वृहद और मध्यम जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको हमारा रिको ही है जो ऋण प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क मिलने से किसकी रिपीट हो गया ना ये क्वेश्चन तो है ना, जापान की सहायता से हुआ था। ठीक है, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना जो प्रारंभ में की गई जब 33 जिला उद्योग स्थापित किए गए थे, अभी तो 36 हैं, तो 33 जिला उद्योग एक साथ स्थापित किए गए थे, कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे? पहली, पांचवी, चौथी, तीसरी? पहली, पांचवी, चौथी, तीसरी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, पहली, पांचवी, चौथी और तीसरी? तो दोस्तों पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी ना, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा युग्म असंगत है?
आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म है जो असंगत है इसमें। कंप्यूटर एडेड ये है जयपुर कारपेट डिजाइन सेंटर, वुडन वेयर जोधपुर, पावरलूम सर्विस उदयपुर, हैंडलूम डिजाइन नागौर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा युग्म असंगत है? कंप्यूटर एडेड, जयपुर कारपेट डिजाइन, वुडन वेयर सर्विस जोधपुर, पावरलूम सर्विस उदयपुर, हैंडलूम डिजाइन सेंटर नागौर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। फटाफट से आंसर में अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पावरलूम सर्विस जो है ये कहाँ है, उदयपुर में नहीं है। अब पावरलूम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक होता है हैंडलूम और एक होता है पावरलूम, एक हैंडलूम और एक पावरलूम, ठीक है। हैंडलूम का अर्थ तो क्या हुआ, हैंडलूम का अर्थ हो गया हथकरघा और पावरलूम का अर्थ हो गया शक्ति चलित करघा। अब ये किससे संबंधित है, वस्त्र निर्माण से संबंधित है। तो पावरलूम सर्विस के जो केंद्र है हमारे राजस्थान में एक से अधिक है, ये भीलवाड़ा में भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पाली में भी है। तो पावरलूम सर्विस का जो सेंटर है वो हमारे उदयपुर में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स किस स्थान पर स्थापित है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राजस्थान राज्य केमिकल या राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स भी आप इसको कह सकते हैं कि ये कहां पर स्थापित है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां स्थापित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां स्थापित है फटाफट से आंसर दीजिए। पचपदरा में है, डीडवाना में है, सांभर जयपुर में है या पर्टिकुलर जयपुर में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है डीडवाना नागौर में, ठीक है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, वर्तमान में ये 2008 से निजी क्षेत्र में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में वर्तमान में सर्वाधिक निर्यात होता है, आपको आंसर देना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा किस वस्तु का निर्यात राजस्थान से होता है? हस्तशिल्प, गलीचे व दरियाँ, मूल्यवान पत्थर, इंजीनियरिंग व टेक्सटाइल। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा निर्यात किसका होता है, हस्तशिल्प का, गलीचे, मूल्यवान पत्थर, इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। हस्तशिल्प का, गलीचों व दरियों का, मूल्यवान पत्थर का, इंजीनियरिंग व टेक्सटाइल का। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए आप। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल से संबंधित जो उत्पाद हैं उनका हमारे राजस्थान से सबसे ज़्यादा निर्यात वर्तमान में किया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों बस ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।